अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। यहाँ जो है मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, वीकेंड है और वीकेंड पर मैंने सोचा आप लोगों को जो है थोड़ा सा सरप्राइज़ दूँ और अपनी जो है डेली रूटीन शेयर करूँ। मैंने यही सोचा है, हर जो है रूटीन अपनी जो है वीकेंड पर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सुबह का टाइम था और यहाँ मैं किचन में आई थी, मैंने पानी की बॉटल्स भरी थी, पत्थर को साफ़ करा था और कूलर में पानी बनाया था। ये सुबह की मेरी रूटीन है और बर्तन मैं कोशिश करती हूँ जो रात के होते हैं वो रात को ही जो है धो के और जो है सब कर करा के जो है लेटूँ, ताकि फिर सुबह एकदम आप लोग उठो तो फिर एक अजीब सा वो होता है कि इतना सारा काम है, इतना सारा करना है, तो जितनी हिम्मत होती है रात को जो है कर करा के कोशिश करती हूँ कि मैं सोऊं। और यहाँ बस ये कमरा भी जो है मैंने साफ़ करा हुआ था बच्चों का, और आप लोगों के साथ भी यही होता है, अगर आप रात को साफ़ करके सोएं, सब करके सोएं, फिर भी जो है अगर सुबह उठें तो यही होता है कि लगता है कि कुछ करा ही नहीं था और दोबारा जो है उसी तरह समेटना है, उसी तरह सारा काम करना है। और बस ये घर है, घर की रूटीन है, इसी तरह चलती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को जो है वाइट सॉस पास्ता की रेसिपी बता दूँ। ये मैंने चिकन ली थी 1/2 kg, मैदा लिया था 1/2 प्याली, काली मिर्चें ली थी, मेरे पास क्यूब्स में पनीर था वो लिया था, कुटी हुई मिर्चें थी, चिली सॉस थी और सोया सॉस थी, और ये सारी चीज़ें जो है मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, और बॉईल करने के बाद जो है इसके इस तरह जो है मैंने पीसेस कर लिए थे। और ये जो मैदा है, जो पनीर है और काली मिर्चें हैं और वाइट पेपर है, और ये हमारा जो है उसके अंदर ऐड होगा पास्ता की रेसिपी में। और इसके अंदर जो है थोड़ा सा दूध शामिल होगा, थोड़ा सा दूध जाएगा, और जो है थोड़ी सी जो है आप इसके अंदर जो है वाइट पेपर और ब्लैक पेपर जो है जब आपकी सॉस बन जाएगी उसके अंदर जो है आप लोग ऐड कर लीजिएगा। ये चिकन स्टॉक है और इसको जो है जब आपका पास्ता बन जाए तो आप ये जो है उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये हाफ़ लिया था मैंने, और जो है आप लोग भी जो है अगर 1/2 kg चिकन का बनाएंगे और 1 पैकेट का तो इसी तरह लिएगा वेजिटेबल्स में। इसमें सिर्फ शिमला मिर्च थी, मैंने सिर्फ शिमला मिर्च इसके अंदर डाली थी और 1 शिमला मिर्ची डलेगी, और 1 पैकेट ये जो है हमारा पास्ता का है। आप लोग जो है एल्बो शेप का, किसी भी शेप का जो है ले सकते हैं जो आप लोगों को अवेलेबल हो। और यहाँ पे मैंने ये अपनी चिकन जो है बॉईल कर ली थी। चिकन बॉईल करने के बाद जो है मैंने इसके अंदर ये सॉस का, मैं आप लोगों को बता दूँ कि पहले जो है मैंने सॉस के लिए इसकी तैयारी करी है। इसमें मैदा, पनीर और जो है दूध हमारा ऐड होगा, और बाद में जो है इसके अंदर जो है मैं वो डालूँगी सफ़ेद मिर्च और काली मिर्च, ये दोनों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। और मक्खन के अंदर ये हमारा सॉस इसकी जो है बनेगी, तो मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ कि मैंने किस तरह जो है इसकी सॉस बनाई थी। और अगर आप लोगों के पास जो है ओरिगैनो हो तो थोड़ा सा वो भी जो है, आप जब ये कंप्लीट हो जाए, बन जाए, तो आप जो है सॉस में थोड़ा सा ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है अब हमारी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। वेजिटेबल में मैंने सिर्फ शिमला मिर्च ली थी। मक्खन मैंने जो है इसका ज़बरदस्त सा एक तड़का लगा लिया था। मक्खन के तड़के के बाद जो है इसके अंदर आपने जो है मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करने के बाद जो है आप लोगों ने तेज़ तेज़ जो है इसके चम्मच को इसमें चलाना है कि जो है कोई गुठली ना बन जाए और जो है ये एक बैटर ना बने। इसको जो है बस हल्का सा, जैसे हमारी कोई ग्रेवी टाइप होती है, इस तरह का हमने बनाना है। और इसके अंदर जो है आप आहिस्ता आहिस्ता इसे मिक्स करते जाएं, और जो है इसके अंदर दूध जो है जितना आपने लेना है उस हिसाब से, सॉस के बैटर के हिसाब से आप इसके अंदर दूध ऐड कर लें। मैंने तकरीबन इसके अंदर 4 टेबल स्पून जो है दूध ऐड करा था, और जो है बस इसको मैंने चम्मच, मैं इसका चलाती रही थी इसका चम्मच। इसके अंदर गुठलियाँ जो है मैंने जो है बहुत एहतियात करी थी ना बने, फिर भी जो है इसके अंदर हल्के हल्के से गुठलियों की एक चंक्स टाइप आ रहा था, पर मैंने उसको जो है बहुत अच्छी तरह, जब मैंने उसे चम्मच चलाया तो गुठलियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गई थी। और इसके अंदर जो है पनीर का क्यूब ऐड होगा। आप लोग, मैंने कहा अगर आप लोग के पास चेदर चीज़ है तो आप लोग चेदर चीज़ भी जो है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और क्यूब्स वाला पनीर ये था कि ये फिर इसके अंदर जो है ये मेल्ट हो गया ना, बहुत ही ये क्रीमी और बहुत ही चीज़ी जो है ये हो जाता है, और इसके अंदर जो चंक्स आते हैं ना पनीर के, वो बहुत मज़े के होते हैं और वो पास्ता में जो है ना एक अलग सा जो है टेस्ट डेवलप कर देते हैं।
और यहाँ पे जो है मेरी सॉस जो है बस ये बन रही थी। इसके अंदर आप लोग जो है इसके अंदर जो है चीज़ ऐड करेंगे साथ साथ। और यहाँ पे मैं आगे जो इसके अंदर ऐड करूँगी वो होगा मेरे पास वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, और ये दोनों चीज़ें जो है सॉस में जाएंगी और थोड़ा सा नमक जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी तो हमारी सॉस जो है वो कंप्लीट है, तैयार हो चुकी है ये हमारी सॉस। आप लोगों को जो है रेसिपीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस तरह मेरी पसंद आती हैं, किस तरह आप लोगों को और कोई रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह ताला मैं वो भी बनाऊंगी। मेरे पास एक दो फरमाइशें हैं बनाने की, और जो है अगर मैं लेट हो गई हूँ बनाते बनाते तो प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा, इंशाल्लाह जो है मैं आगे ज़रूर बनाऊँगी। और थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज की वजह से और जो है थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से जो है मैं वीडियो भी जो है बहुत कम अपलोड कर रही हूँ, पर मेरी कोशिश है इंशाल्लाह मैं आप लोगों से जो है इसी तरह टच में रहूं और जो है वीडियोस भी बनाऊं, और जो है डेली जो है व्लॉग तो नहीं बना सकती मैं, पर मैं इंशाल्लाह जो है रूटीन का व्लॉग जो है आपको वीकेंड पे मेरा ज़रूर मिलेगा। और यहाँ ये हमारी सॉस तैयार थी, तो अब ये मैंने जो है ऑयल लिया था 2 टेबल स्पून के करीब, और इसके अंदर जो हमने चिकन बॉईल करी थी वो चिकन हमने इसके अंदर ऐड कर ली थी। और चिकन ऐड करने के बाद जो है इसको मिक्स करके हमने इसके अंदर जो शिमला मिर्च हमारी कटी हुई थी, ये क्यूब्स के शेप में एक बड़ी शिमला मिर्च थी ये, और जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर ली थी। शिमला मिर्च डालने के बाद जो है इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें आप लोग डाल दें, वो अपने टेस्ट के हिसाब से है। मैंने जो है थोड़ा सा नॉर्मल स्पाइसी रखा था, इतना ज़्यादा नहीं था, और बच्चों ने क्योंकि खाना था, और नमक मैंने इसके अंदर ऐड करा था। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें जो है ऐड कर सकते हैं, अगर आपने तेज़ खानी है तो आप लोग जो है तेज़ डाल सकते हैं। और इसके अंदर जो है बस ये मैंने फिर इसको मिक्स कर लिया है इसके अंदर डाल के सारी चीज़ें, और नमक इसके अंदर ऐड होगा, नमक इसके अंदर ऐड करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि सॉस में जो है इतना ज़्यादा कोई नमक ऐड आप नहीं भी करें तो वो कोई इशू नहीं है, पर हमने जो है असल जो मेन है हमारा वो हमने इसके अंदर जो है ऐड करना है। यहाँ पर जो है मैंने चिली सॉस इसके अंदर जो है ऐड करी है, और अब मैं ऐसा ऐसा इसके अंदर बस ये चम्मच चला रही थी कि ये चिकन तो क्योंकि हमारी बॉयल थी और हमने जो है इसकी सब्ज़ी को इतना पकाना नहीं था, ना बिल्कुल ऐसा कोई नरम करना था, क्योंकि पास्ता में जो है या चाइनीज़ चीज़ों में सारी जो है आप लोगों को वेजिटेबल्स जो होती हैं आप लोग रेस्टोरेंट्स में ट्राई करते हैं तो वो हल्की हल्की सौते हुई भी होती हैं। और बस फिर मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करा था, ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद बस इसको हमने मिक्स करना है। यह हमारी जो है इसकी वेजिटेबल तैयार है। और पास्ता जो है नॉर्मल आप लोग जिस तरह पानी बॉईल करते हैं चावलों के लिए उस तरह आपने ऐड करना है, पर उसके अंदर आप लोग जो है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल लिएगा कि वो थोड़ा सा चिपकता नहीं है, और जब वो बॉईल हो जाए तो आप इसको जो है छान लें। और यहाँ पे ये मैंने जो है इसके अंदर पास्ता मिक्स कर लिया था, ऊपर से जो है मैंने क्रीम डाली थी, केचप से इसको जो है थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया था ताकि बच्चे जो है बग़ैर केचप के आप लोगों को पता है किसी चीज़ को टच भी नहीं करते हैं, तो जो है उन लोगों की अट्रैक्शन के लिए इसके अंदर मैंने जो है क्रीम और थोड़ी सी केचप ऐड कर ली थी। अब आप लोगों ने जैसे टाइटल देखा होगा कि घर की शिफ्टिंग, तो घर की शिफ्टिंग तो नहीं है, पर ये है कि मेरा जो रूम है ना वो थोड़ा सा जो है मैंने चेंज भी नहीं करना ना शिफ्ट करना है कहीं, बस ये है कि मेरा सामान जो है सारा ये बाहर निकला पड़ा हुआ है, और ये मेरे फर्नीचर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बस ये मैंने बनवाना है, इसको ठीक करवाना है। और यहाँ पे जो है ये बच्चे बैठे हुए हैं, जब रूम इस तरह का हो जाए ना फिर बच्चों को तो जो है बैठने के लिए आप लोगों को पता है कि सिर्फ एक जगह चाहिए होती है, और वो होता है कि अपने अम्मी और अब्बू का कमरा। और बस जब हमारे कमरे की इस तरह की हालत है तो ये देख लें आप लोग, ये मेरे नए बेड की जो है मेरी रूटीन है हमारी जो है कमरे की, हमारे बेड की इस तरह की कि हम लोग जो है आजकल इसी तरह बेड को यूज़ कर रहे हैं, और इसी तरह जो है बस ये चल रहा है। अल्लाह पाक जल्दी से मसला हल करवा दे और हमारा फर्नीचर ठीक हो जाए। और यहाँ पे जो है मैं आप लोगों को अपना ये न्यू रूम टूर दिखा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा। दुआ करिएगा मेरी सारी चीज़ें जो है सेट हो जाएं। और यहाँ पे जो है दूसरे दिन जो है शाम में
मेरी बेटी ने जो है बनाया था, थोड़ी सी वो लगी हुई थी कि उनको थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी कि थोड़ी सी केक खाना है या इस तरह की किसी चीज़ का, तो बाज़ार से मंगवाने से बेहतर था, मैंने कहा आप जो है घर में ट्राई करो। तो जो है बस ये लग गई थी बहनें आपस में साथ, और इन्होंने जो है ये ओरियो से मेरे ख्याल से कुछ बनाया है। और अब ये दूसरे दिन सुबह मैं बच्चों के जो है टिफ़िन को तैयार कर रही हूँ, और इन लोगों के मदरसे जाने का टाइम है ये बच्चों का, जल्दी जल्दी जो है मैंने इनका जो है टिफ़िन पैक करना है। बच्चों की मैं वीडियो नहीं बना सकी तो टाइम बहुत कम होता है, और ये सुबह मेरे ख्याल से 7:30 बजे का टाइम है, और इन लोगों को मैंने जो है लंच में शामी कबाब देने थे, और शामी कबाब केचप और रोटी रख के मैंने जो है इन लोगों का बैग जो है पैक कर दिया था। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आ गए हैं बच्चियों के रूम में, और ये जो मेरी गर्ल्स हैं ये जा रही हैं मदरसे के लिए, तैयार हो रही हैं, इनके मदरसे का टाइम है और जुम्मे का दिन है, और जुम्मे के दिन की रूटीन सबके घरों में यही होती है कि माशाल्लाह जो है जुम्मे के हिसाब से नहाना लगा हुआ होता है, और जो है फिर नमाज़ की तैयारी होती है। मेरे भी इसी तरह का था कि जो है मैंने भी जो है बस यहाँ पे कमरा वमरा जो है समेटा था, थोड़ा सा काम करा था, और ये मैं आप लोगों को ड्रेस दिखा दूं, बस ये मुझे उठाना था यहाँ से, पर ये भी जो है वीडियो में आ गया है कि इसको बस मुझे रखना था उठा के, पर ये आप लोगों के सामने भी आ गया। और यहाँ पर बस ये कमरा जो है मेरा सेट है, और मैं बस कहती रहती हूँ, इन लोगों के भी पीछे पड़ी रहती हूँ कि आप लोग भी समेटती रहो, अपनी चीज़ों को प्रॉपर जगह पे रखो, तो इसी तरह जो है थोड़ा सा चलता रहता है। ये बच्चों के कपड़े यहाँ पे पड़े हुए थे, ये लोग चेंज करके गए थे, और बस मैंने यहाँ से इन लोगों के जो है कपड़े उठाने थे। थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं इनकी समेटने की जो रह जाती हैं और मुझे समेटनी होती हैं, बस वो चीज़ मैं कर लूँ और फिर उसके बाद जो है सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। और यहाँ पर ये बच्चियों के रूम का जो है फ़ाइनल लुक है। आप लोग जो है बस अब मैं यहाँ पे पिलो वग़ैरह ला के रखूँगी, और ये यहाँ से जो है कंप्लीट हो जाएगा यहाँ का काम मेरा, और फिर थोड़ी देर बाद जो है मेरी भी नमाज़ की तैयारी है, मुझे जो है नमाज़ के लिए कपड़े वपड़े चेंज करने हैं, शावर लेना है, और बच्चियाँ भी जो हैं बस मदरसे जाने के लिए तैयार हो रही हैं, इनका भी टाइम है मदरसे का, और बस इसी तरह रूटीन चलती रहती है। आप लोगों की क्या रूटीन है फ्राइडे की, आप लोग भी बताइएगा। आजकल तो जो है सबकी रूटीन सब तरह से ही मुख्तलिफ होती जा रही है, हो रही है, और पर यह है कि थोड़ी थोड़ी जो है रूटीन में आते चले जा रहे हैं। शॉप्स वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह खुलनी शुरू हो गई हैं, और मेरे कपड़ों का बस ये है कि जो है जल्दी से मैंने कपड़े लिए, और मैंने भागना था शावर लेने के लिए, क्योंकि नमाज को जो है बस ये होता है कि फिर अव्वल वक्त में जो है आप लोग भी कोशिश करा करें कि पढ़ ली जाए, मैं भी कोशिश करती हूँ कि अव्वल वक्त में जो है मेरी भी नमाज़ हो जाए। यहाँ पे मैंने जो है नमाज़ की बस नियत बांध ली थी, और बस ये मेरी बेटी साहिबा लेके कैमरा खड़ी हुई थी, पर जो है मैंने तैयारी बस ये थी मेरी नमाज़ की कि मेरा जो है नमाज का टाइम ना निकल जाए। आप लोगों से यही है कि आप लोग जो है अपनी हर चीज़ का जो है जो भी रूटीन हो वो भी मुझसे शेयर करिएगा। यहाँ पे मेरी सूरह कहफ है, और जो है मैं जुम्मे को मामूल बनाती हूँ इसको पढ़ने का, मेरी तो यही रूटीन है, और जो है दुरूद शरीफ की जो है कसरत करती हूँ, और यहाँ पे आप लोगों के सामने है मेरी रूटीन, मेरा व्लॉग, बस जो काम चलता रहता है उसी तरह मेरा बस चलता रहता है। बस मुझे ये होता है थोड़ा सा जो है मैं उसके अंदर आप लोगों से इन टच हो जाऊँ। और यहाँ पे ये बारिश हो गई थी, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी, और यहाँ का तो बस यही मौसम हो गया है कि पहले तो होती नहीं थी और अब होती है, तो बस अल्लाह का ही करम होता है कि वो रुक जाती है। और मौसम बहुत खूबसूरत था, बहुत हसीन था। मैंने बाहर का व्लॉग ज़्यादा बनाया नहीं, क्योंकि मेरे पास जो है मेरा जो कैमरा है मोबाइल जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है थोड़े से ये क्लिप ले लिए थे बारिश के। और बहुत ठंडी हवा चल रही थी, एकदम मौसम ऐसा हो गया था कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि रात हो गई है। और यहाँ पर जो है बच्चे वगैरह सारे मेरे जो है बस थे मदरसे गए हुए थे, तो मुझे फ़िक्र हो रही थी उन लोगों की कि जो है बस अल्लाह करे साथ खैरियत से वो लोग घर पर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी वक्त पे घर आ गए थे, और जो है उस्तान जी के यहाँ की बच्चियों की छुट्टी हो गई थी और उनके तो लग गए थे मज़े, और सारी भाग गई थी बारिश में नहाने। और बस इन लोगों को होता है कि बस बारिश हो, और बचपन यही होता है, हमारा भी बचपन यही था, हमने भी इसी तरह गुजारा है कि बारिश हो और भागो और जो है बस मज़े करो। यहाँ पर जो है
लाइट गई हुई थी मामूल के मुताबिक। कराची वाले हों कहीं के भी हों, हम लोग रहने वाले पाकिस्तानी सारे जो है, बारिश का तो यही है कि बारिश होती है और लाइट जाती है, और जिस तरह बस लाइट जाती है तो अल्लाह ही हम सब पे करम करने वाले हैं। और जो है मौसम भी जो है इस तरह एकदम बदल रहा है कि आगे भी बारिशों का इम्कान है, और साथ खैरियत से ये बारिशों के जो दिन हैं वो भी गुजर जाएं। आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और अगर इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दें। आगे जो है मैं यहाँ पर आ जाऊँ सैंडविचेस की तरफ। ये मैंने सैंडविचेस बनाए थे क्लब सैंडविच से, चिकन को मैंने हल्के से तेल में और जो है ज़रा सा नमक डाल के लहसुन डाल के मैंने इसकी भुनाई कर ली थी कि ये चिकन मेरी इतनी मैंने भुनाई करी थी उसी पानी के अंदर गल गई थी चिकन के ये जो मैंने पीसेस कर लिए थे। और आप लोगों को पता है चिकन के अंदर जो है ये पीसेस हो गए क्लब सैंडविच में जाते हैं, इसका तैयार लुक था। और मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या ऐड करा है। इसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्चें, नमक और काली मिर्चें जो है ऐड करी थी, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और ये चीज़ें जो है बस हमारी जो है चिकन में जाएंगी और इसको जो है हम भुनाई करेंगे बहुत कम तेल डाल के और बहुत जो है हल्के से ऑयल के अंदर जो है हमने ये जो है इसको भूनना है। चिकन हमारी ऑलरेडी तैयार है तो इसमें ऐसे कोई मसला नहीं। और ये जो है सैंडविचेस की मैंने ब्रेड मंगवाई थी, और आप लोग भी जो है अगर ट्राई करें तो ये सैंडविच के अंदर जो है अगर आपने बनाना है तो ये सैंडविच की ब्रेड कहकर ये आती है, तो आप लोग जो है यही मंगवाइएगा। और इसके जो है ये मैंने किनारे काट लिए थे, पर ये ब्रेड इसका जो स्लाइस है वो इस तरह का है, यानी कि हम जो नॉर्मल एक ब्रेड आती है हमारे घर में उसका ये समझें डबल है, और ये बहुत बड़ा था। और बस मैंने जो है इसके ये स्लाइसेस कर लिए थे, ये इसके मैंने काट लिए थे। और इसके बाद ये मैंने छः अंडे लिए थे और इसको जो है मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है फेंट लिया था। इसके अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्चें जो है आप लोग डालिएगा, और पतले पतले हम लोग जो आमलेट बनाते हैं जिस तरह उस तरह जो है ये आमलेट बनना है, और बिल्कुल पतला रोटी की तरह होता है, बिल्कुल रोटी की तरह जो है पतला आमलेट बनना है। इसको जो है मतलब मोटा नहीं करना, ना बहुत ज़्यादा इसका हमने अंडे का बैटर डालना है, बहुत पतला सा डाल के जो है हमने इसका आमलेट बनाना है। और इसी तरह जो है आमलेट आप लोग बनाते जाएं और निकालते जाएं। मेरे ख्याल से 6 से 8 अंडों के अंदर आपके जो है 17 से 18 जो है आमलेट बनने चाहिए, और ये इतना बड़ा पूरा पीस नहीं जाएगा हमारा ब्रेड के अंदर एक स्लाइस में, एक सैंडविच के पीस में। इसको जो है हमने तकरीबन एक जैसे हम पिज़्ज़ा का या उसके स्लाइस करते हैं उस तरह 4 से 5 हम लोगों ने जो है हमने आमलेट के स्लाइस कर लेने हैं, और उस तरह जो है हमने इसको अपने तो स्लाइस पे लगाना है। और आके आप लोग देखिएगा, मैं आप लोगों को बताती हूँ मैंने इसके अंदर किस तरह आमलेट को मैंने बना के लगाया था, उस पे रखा था। और इसके अंदर जो है वेजिटेबल में हमारे पास आपकी चॉइस के ऊपर है, मैंने इसके अंदर जो है सलाद का पत्ता नहीं डाला था, मैंने इसके अंदर टमाटर और खीरा डाला था, और टमाटर और खीरा डाला था, और यही दो चीज़ें जो है क्लब सैंडविच में डलती हैं। और एक स्लाइस पे जो है मैंने इसके मायनीज लगाई थी, एक साइड पे मैंने केचप लगाई थी, और आपकी मर्ज़ी है आप केचप वाली साइड पे लगाएं या जो है केचप वाली साइड पे लगाएं या मायनीज वाली साइड पे लगाएं, और उसके ऊपर आप जो है इस तरह आमलेट रख के और अपनी वेजिटेबल इसके साथ रख सकते हैं। आप चाहें तो अलग भी जो है इसका पीस रख सकते हैं आमलेट का, और जो है आप वेजिटेबल्स भी अपनी अलग रख सकते हैं। और यहाँ पर जो है एक साइड पे मैंने चिकन के पीसेस रखे थे इस तरह जो है, ये मैं ट्रिपल भी कर सकती हूँ और 4 लेयर वाला भी कर सकती हूँ। 4 लेयर वाला इस तरह होगा कि जो है पहले आपकी चिकन होगी, फिर आपका जो है अंडा होगा, फिर आपकी जो है वेजिटेबल होगी, फिर एक और जो है आप चिकन का जो है पीस लगा देंगे, तो इस तरह जो है आपका ये 4 लेयर वाला हो जाएगा। और इसी तरह आप ये बना सकते हैं और जो है इंजॉय कर सकते हैं, बहुत इजी है। बाज़ार से मंगवाने से बेहतर है कि आप लोग जो है ये चीज़ें घर पे ट्राई करें और घर पे बनाएं, क्योंकि बाज़ार का जो है मील आजकल बारिश है बरसात का मौसम है तो मैं तो प्रेफर नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को जो है घर में बना के इस तरह की चीज़ें दूँ, और ताकि वो उनकी सेहत भी ठीक रहे, और मुझे आप लोगों का भी ख्याल है इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की भी सेहत ठीक रहे, आप लोग भी जो है घर पे ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। और इसके अंदर जो है ये देखें, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने मायनीज़ के ऊपर चिकन का ये पीस लगाया है, फिर उसके ऊपर मैंने वेजिटेबल्स रखी हैं, फिर मैंने आमलेट रखा है, और ये मेरा जो है क्लब सैंडविचेस तैयार थे।
थे, और इसको जो है मैंने, आप लोग बाज़ार से जैसे खाते हैं तो उसके ऊपर जो है टोस्ट जो होता है वो हमारा थोड़ा सा सिका हुआ होता है, तो मैंने जब पूरा सैंडविच मेरा तैयार हो गया था और इसके मैंने पीसेस कर लिए थे, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने इसको जो है माइक्रो में रखा था या मैंने जो है पैन में रखा था, मैंने किस तरह जो है इसे हल्का सा जो है सेक लिया था, और बिल्कुल ये बाज़ार के स्टाइल के बने थे और बहुत इंजॉय करा था, बच्चों को बहुत पसंद आए थे, और मुझे यही उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये छोटे छोटे क्लिप्स थे मेरे, छोटी छोटी सी मैंने जो है अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करी थी। रूटीन तो बहुत टफ है, अगर जो है मैं शेयर करने लग जाऊँ और जो है तो उसके साथ, तो फिर ये है कि 24 मिनट और 30 मिनट भी कम है। आप सब लोगों को भी अंदाज़ा होगा, पर मेरा था कि मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ जो है अपनी रूटीन शेयर कर दूं। ये मैंने जो है पैन के अंदर अपना तैयार सैंडविच जो था इसको मैंने हल्का हल्का सेक लिया था, कितना खूबसूरत लग रहा है और कितना कलरफुल लग रहा था और बहुत मज़े का था और बहुत अच्छा था। इसके साथ मैंने कोल्सलो तैयार करी थी, फ्रेंच फ्राइज रखे थे। कोल्सलो की रेसिपी मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ और जल्दी से अभी भी बता दूँ, मायनीज क्रीम का पैकेट, मिल्क पैक क्रीम जो आती है, आप अपने हिसाब से दोनों चीज़ें जो है मिक्स कर लें, चीनी के साथ जो है इसको फेंट लें, नमक डाल लें थोड़ा सा, और जो है गोभी जो है बंद गोभी आप क्रश करके इसके अंदर डाल लें और आपकी कोल्सलो तैयार हो जाएगी। ये सैंडविचेस थे मेरे और देख सकते हैं आप लोग ये कितने जो है मज़ेदार और शानदार लग रहे हैं और वाकई बहुत मज़े के थे। और आगे मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि इंशाल्लाह आगे जो है मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझसे कढ़ाई की फरमाइश करी थी, तो मैं उनको इसी व्लॉग में ही बता दूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है मैं अगला जो मेरा व्लॉग होगा, मेरी कोशिश होगी मैं उसके अंदर कढ़ाई ज़रूर बना दूं और मैं बना के दिखाऊं, ताकि वो भी जो है इसी तरह कढ़ाई बनाएं और उसे इंजॉय करें। और बस ये हम लोगों ने, बच्चों ने और हमने ये डिनर करा था, बस इसके बाद जो है किचन में गई थी मैं। किचन में जाने के बाद जो है वही बर्तन जो जमा थे सारे वो धो के करके, किचन को साफ़ करके, जो रात की रूटीन होती है हर हाउसवाइफ की, तो वो सब जो है मैंने करी थी। और इसके बाद जो है मैं रूम में आई थी, रूम में आने के बाद जो है ये मेरी बच्चियां जो हैं बैठी हुई हैं, इनके जो है स्कूल्स अब तो सबके ओपन होने वाले हैं, तो थोड़ी थोड़ी जो है अब है मुझे कि इन लोगों को मैं ले कर बैठूँ, थोड़ा सा वक्त दूँ, ये लोग अपना काम कम्प्लीट कर लें, इन लोगों के काम हो जाए। और बहुत सारा जो है होमवर्क है, बहुत सारा बर्डन है बच्चों के ऊपर, अल्लाह पाक जो है सबके बच्चों के जो है काम जो जो रह गए हैं जो होने वाले हैं, अल्लाह पाक सब में आसानियां करे। और बहुत टफ रूटीन आने वाली है, सारे बच्चों की जो है आदतें ख़त्म हो गई हैं स्कूल की, मदरसों की, और इसी तरह की पर अब रूटीन चलनी है और सबको अपना मामूल बनाना है। और जो है बस ये रात के 2 बज रहे थे और मैंने बस आप लोगों के लिए छोटा सा व्लॉग बनाया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। रात का टाइम था और जो है मैंने सोचा बस आप लोगों के साथ सब अपना शेयर करूँ। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।